आसानी से ऐसे करके लगाएंगे इसके मिडल से। इस तीनों मशीन में एक चीज कॉमन है, वीडियो स्किप कीजिएगा अदरवाइज आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो में बने रहे और जितना बेस्ट हो सके हम उतना बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि हम कौन सा रॉड इस्तेमाल करते हैं, कौन सा रील इस्तेमाल करते हैं और कौन सा फ्रॉग इस्तेमाल करते हैं और रॉड रील कैसे फिटिंग किया जाता है। एक हमारे प्यारे व्यूवर है कि उन्होंने कमेंट किया था, उसका नाम है सुशांत कोरबा छत्तीसगढ़ से, वो जनरली हमारे सभी वीडियो को देखते हैं। उन्होंने कमेंट किया था फ्रॉग मैं कहाँ से लेता हूँ। सुशांत कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए है, उन्होंने कमेंट किया था कि ये सुपर फ्रॉग है, तो मैं रिव्यू भी इसी फ्रॉग का देता हूँ। सिर्फ कलर इसका डिफरेंट है, ये येलो कलर है और ये ब्लैक कलर है। तो आप किसी भी स्पॉट पे फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो वो डिपेंड करता है, आप शिकारी हैं तो आपको अनुभव हो जाता है कि मुझे कौन सा फ्रॉग खेलना चाहिए कौन सा फ्रॉग नहीं खेलना चाहिए। नॉर्मली आप फ्रॉग कोई भी कास्टिंग करते हैं और देखिए अटैक नहीं हो रहा है तो आप फ्रॉग चेंज करके खेल सकते हैं, अदरवाइज फ्रॉग का कोई सीन नहीं होता, किसी भी फ्रॉग पे अटैक करता है। मैं खुद का एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। ये दोनों सुपर फ्रॉग है और काफ़ी ज़बरदस्त है, आप भी सुपर फ्रॉग इस्तेमाल करते हो। और एक हमारे प्यारे व्यूवर, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं कहाँ से मंगाता हूँ और इसका प्राइस क्या है। इसका जो प्राइस है वो 140 है और ये मैं दिल्ली से मंगाया था, एक हमारे जानने वाला है उसकी शॉप है वहाँ से मैं मंगाया था। ये दोनों फ्रॉग काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस दे रहा है। ये लुकाना का स्टोन आइसलैंड 6000 सीरीज यूज़ करता हूँ जो स्नैक हेड के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं ये काफ़ी इस्तेमाल किया हूँ और इससे काफ़ी ज़्यादा स्नैक, इस मशीन से 10 kg के स्नैक हेड को आसानी से आप निकाल सकते हैं। और मैं जो स्नैक हेड के लिए लाइन इस्तेमाल करता हूँ, ये लुकाना कोमोडो का ब्रेडेड लाइन है, काफ़ी बेहतर है, इससे आप लॉन्ग कास्टिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मैं इसको अभी फिटिंग कर रहा हूँ और बताऊँगा कि इसको किस तरह से फिटिंग है। बेल आर्म है, सब एक नंबर है, काफ़ी ज़्यादा मूवेबल है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन है। इसका जो ड्रैग कैपेसिटी है वो 25 kg है। ये अपर सेक्शन है और ये लोअर है, तो आप इसको कैसे फिटिंग करेंगे तो सबसे करेंगे, ये अपर सेक्शन है या अपर पार्ट बोल सकते हैं या इसको टिप बोल सकते हैं। इसको नॉर्मली यहाँ से ऐसे लगाएंगे और इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, अंदर की तरफ डाउन नहीं करेंगे। और ये मैं ऑलरेडी रिपेयर कर रखा हूँ, अगर डीवेव इस्तेमाल करता है ये चीज़ को फेस किए होंगे आप, तो मैं ऑलरेडी इसको बांध रखा हूँ ताकि यहाँ से ये फटे ना और लॉन्ग चले। तो ये ऐसे लगा देंगे और उसके बाद ये ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे। आपका रॉड फिटिंग हो गया और ये बारीकी चीज़ आपको बहुत सारे जो यूज़र होते हैं वो नहीं बताते हैं। सारे टेंटिकल्स आर पार एक दूसरे के दिखने लगे तो ये रॉड आपका प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। ये स्पिनिंग रील लगाने के लिए ऑलरेडी दिया रहता है, तो ये आसानी से ऐसे करके लगाएंगे और ऐसे पकड़ के उसके बाद इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नॉर्मली इस तरह से इसको राउंड करेंगे, ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इतना टाइट जब ये मूव नहीं करने लगती है इतना इसको टाइट करें कि ये मशीन जब मूव नहीं करती है आपका ये प्रॉपर तरीके से फिट हो गया, ज़बरदस्त। अब इसको क्या करेंगे, नॉर्मल इस बेल आर्म को उठाएंगे ऐसे करके, उसके बाद जो आपका लाइन है मोनो लाइन इस्तेमाल करते हैं या ब्रेडेड लाइन, स्नैक हेड के लिए ब्रेडेड लाइन ही इस्तेमाल करें, नए यूज़र गलती करते हैं मोनो लाइन इस्तेमाल करते हैं। जब मोनो लाइन से हुकिंग करते हैं तो वो जंप कर जाता है, ब्रेडेड लाइन हार्ड होती है और इससे काफ़ी ज़्यादा हुक होता है, काफ़ी बढ़िया हुक होता है। इसको नॉर्मली सारे टेंटिकल्स में एक करके टेंटिकल्स जो भी हैं सारे टेंटिकल्स में वन बाय वन करके लगा देंगे इसको। ये आपका रॉड रील और लाइन प्रॉपर तरीके से फिट हो गया, उसके बाद नॉर्मली बेल आर्म को ऐसे लगा देना है। अब क्या करेंगे, फ्रॉग को टाई करेंगे। फ्रॉग को टाई करने के लिए फ्रॉग कैसे बांधे, ये बहुत सारे नए यूज़र होता है उसको प्रॉब्लम होती है, कई बार होता है इसमें गांठ बांध देते, तो वैसे नहीं करना, इस तरह से फंदा को बना लेना है। और ये इतना बड़ा फंदा बनाना है ताकि आप इन फ्यूचर अगर फीडर खेलना चाहते हैं तो आसानी से फीडर इसके अंदर आ जाए।
उसके बाद नॉर्मली ऐसे करके यू लगाना है, उसके बाद इसको नॉर्मली ऐसे ओपन करके इसके मिडल से ऐसे करके ये लगा के ये आपका फ्रो टाई हो गया और ये ज़बरदस्त है। और ये बारीकी चीज़ बता रहा हूँ, जब आप 5 डेज 7 डेज यूज़ कर लेते हैं आपकी मरल का शिकार, आपको स्नेक हेड काफ़ी अच्छा अटैक मिलता है, तो ये ध्यान रहे यहाँ से 1 फीट के समथिंग धागों को काट दे। रीज़न यहाँ टिप से घर्षण के कारण वहाँ का जो लाइन है वो वीक हो जाता है और जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर बड़ी मरल अटैक करती है तो ब्रेक कर जाता है, तो इस ख्याल रखें। यूज़र है उनको मालूम होता है कि कास्टिंग कैसे करें, नए यूज़र हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि मुझे इतना लूड जो होता है लूड कम से कम इतना ज़्यादा बाहर रखें ताकि आपको कास्टिंग करने में आसानी हो। तो ये ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, नॉर्मल एक होता है 1 फीट 1.5 फीट के समथिंग आप लूड को निकाल लें, उसके बाद नॉर्मली इस तरह से ब्रेडी लाइन को होल्ड करना है, उसके बाद बेल आर्म को उठाना है। ऐसे उठाने के बाद आप नॉर्मली यूँ कितना होता है कि पूरा बैक कर देते हैं, बैक नहीं करना है, इस तरह से नहीं फेंकना है, नॉर्मल लाना है इस तरह से उठाकर, उसके बाद नॉर्मल ऐसे करके फेंकना है, काफ़ी ज़बरदस्त। इसे बता दिया हूँ कि किस तरह से फेंकना चाहिए, मैं नॉर्मली फेंक रहा हूँ कि देखिए कास्टिंग कितना लॉन्ग कास्टिंग होता है, काफ़ी ज़बरदस्त कास्टिंग होता है मेरे भाई। इस तीनों मशीन में एक चीज़ कॉमन है, इसमें जो मैं लाइन इस्तेमाल किया हूँ वो लुकाना कोमोडो का ब्रेडेड लाइन इस्तेमाल किया हूँ, ये देख सकते हैं सेम है, तीनों जो है इसमें जो ब्रेडेड लाइन इस्तेमाल किया हूँ ये सेम है, बिकॉज मुझे ये ब्रेडेड लाइन लुकाना कोमोडो का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस दिया है, इसीलिए मैं जब भी इस्तेमाल करता हूँ तो लुकाना कोमोडो का ब्रेडेड लाइन ही इस्तेमाल करता हूँ। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी जब स्नेक हेड के लिए ब्रेडेड लाइन इस्तेमाल करें तो लुकाना कोमोडो का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देगा।